सबसे बड़ी बात क्या यहाँ पे एश काफी पीछे है, टेड और प्रिंस है यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स के लिए। 5 किल ऑलरेडी 8 मिनट ले चुके हैं एंड बैकड्रॉप में मुझे दिख रहा है ईएक्स के ऑरेंज ने, एलिमेंट्रिक्स के ऑरेंज ने ओआर को नॉक किया एंड जोन कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ ओआर। बाकी सारे के सारे टीम जोन से दूर है एंड स्पार्की भाई बहुत बहुत 11 जोन के अंदर आना पड़ेगा एंड 13 नंबर पोजीशन पे एलिमिनेट हो चुका है 13 पोजीशन पे एंड इधर वाइपर ने बहुत ही प्यारा नॉक एंड वाइपर को उधर स्ट्रेट पे नॉक आउट करते हुए 8 मिनट का टीम यहां पर स्प्रे करते हुए प्रिंस ने यहां पर केओ को नॉक आउट कर चुका है। इग्नाइट का पोजीशन बहुत ही सही है एंड केओ को यहां पर पूरा क्लियर आउट कर दिया जाएगा। मैक्सिमस से कुछ भी कवर फायर यहां पर आया नहीं था, वो थोड़ा यहाँ पे टेड ने बहुत ही अलग ही एंगल में पीक लिया है। यहाँ पे टेड को रश करते हुए या फिर वो चाहेंगे कि वो एमएसएस के ओमेगा को स्प्रे करें, थोड़े शॉट्स कनेक्ट हुए बट देन वहाँ पे वो एमएसएस का ओमेगा पूरा बच के निकल गया, टेड के शॉट्स कनेक्ट हुए। अदरवाइज वो टीम जितने कॉन्फिडेंस से सामने आई थी आई थिंक इनके लिए 3-4 अच्छे किल निकल जाते, पर यहाँ पे 8 मिनट के लिए अब हाई टाइम है कि उनको जोन के अंदर जाना है एंड यहाँ पे गाड़ी फोड़ के 8 मिनट अपने 2 किल 3 किल टोटल निकाल लिए एंड टोटल 8 किल। तो 12वां नंबर पे 8 मिनट एंड 8 किल आई थिंक इस बार उनको समझ में आया कि गेम कैसे खेला जाता है एंड प्रिंस केस हो गया। यस एंड उधर एलिमिनेटर जो 2 मैचेस में बहुत सही खेले थे इस बार 12 पोजीशन में एलिमिनेट हो चुके हैं। उधर 0 डिग्री डैमेज दे रहे हैं सिनर्जी गेमिंग के ऊपर, सिनर्जी गेमिंग से सिर्फ ऊपर स्ट्राइडर बचे, स्ट्राइडर एंड वेलोसिटी से अलादीन कॉजीडा 2 बंदे वेलोसिटी के जोन के बाहर नॉक, डॉन को यहाँ पर क्लियर आउट करते हुए स्ट्राइडर अपनी टीम से सोलो सर्वाइवर है। एनएस के स्क्वाड भी इसके पास आने की कोशिश, क्या उसको नॉक आउट कर पाएगा स्ट्राइडर का एक स्प्रे एंड गाड़ी प्लस में कंप्लीट करते हुए, नहीं वो आई थिंक वो किल 0 डिग्री के स्क्वाड ने निकाल चुका है। लेकिन स्ट्राइडर का जो पोजीशन है पीछे से पुश आएगा अपने टीममेट को रिवाइव देके, देखो सब भाई कुछ भी हीलिंग नहीं है, कुछ भी हीलिंग नहीं है, कुछ भी हीलिंग नहीं है सबसे बड़ी बात। पर फिर भी यहाँ पे आई थिंक देखिए अब मैटर बहुत खराब हो चुका है क्योंकि जोन काफी छोटा हो चुका है, रिज वाला जोन बना है। कभी कभी क्या होता है ना स्पार्की भाई, आपने भी इतने सारे गेम्स देखे हैं, आपको पता है कि कभी कभी मिरामर में ओपन में जोन बनता है सिर्फ एक साइड में हिल होता है। लकीली इस बार वो नहीं है, इस बार बीच में प्लेन है पर तीनों तरफ हिल्स है, तो काफी टीम्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो इस गेम को कितना स्ट्रेटेजिकली निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एसजी वर्सेस टीमआरजी का काफी क्लोज मैच, इट्स गोना बी श्राइडर वर्सेस राइजर। तो श्राइडर और राइजर के बीच में कौन यहाँ पे ले जा सकता है, यहाँ पे राइजर के पास है AKM लेवल 2 का वेस्ट पर हेलमेट छोटा का, श्राइडर उसके हेड पे एम करता है तो आई थिंक प्रॉब्लम होगी। लेकिन श्राइडर अपनी टीम से लास्ट बंदा है तो उसको कवर के लिए कुछ कवर फायर तो नहीं मिलने वाला, लेकिन बहुत ही प्यारा स्मोक का वन बनाया गया और राइजर ने इधर 1v1 में श्राइडर को पूरा क्लियर आउट, तो वे डाउन टू टॉप 9 स्क्वाड एंड पेन कोल्ड ब्लड को वहां पर क्लियर आउट करते हुए आई थिंक पेन का स्क्वाड आल्सो गॉट एलिमिनेटेड। सिनर्जी ओवर 10 पोजीशन पे डाउन हो चुका है, 9 पोजीशन में जो डाउन हुआ वो हम लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा एंड देव को यहां पर पान सिंह ने बहुत ही प्यारा नेट से नॉक आउट कर चुका है 0 डिग्री का स्क्वाड, चारों का चारों बंदे यहां पर आरजी के ऊपर पुश कर रहे थक भाई एंड यहाँ पे आरजी कम्प्लीटली सैंडविच हो चुके हैं, एक तरफ जीएच एक तरफ जेड दोनों ही अच्छे टीम पर आरजी बहुत ही अच्छी टीम, आरजी नहीं चाहेगी कि वो इस गेम में थोड़ा जल्दी मर जाए क्योंकि पहले के दोनों गेम में आरजी ने बहुत ही प्यारा दर्शन दिखाया था। वहाँ फीड पे देखते हैं ओआर के संधु ने 8 मिनट टेड को नॉक किया, इबान ने यहाँ पे पान सिंह को नॉक कर दिया, इबान अपनी टीम के लिए MVP बनते हुए अब उस गेम में भी देखा काफी देर तक होल्ड कर रहा था, पर यहाँ इबान शॉट्स ले रहा है पेड़ के पीछे जाएगा बचने की कोशिश करेगा पर वहाँ पे जेड की टीम ऑफ थर्ड पार्टी होते हुए ओआर के एक्सी ने यहाँ पे पान सिंह को नॉक किया, जेड के गॉड को नॉक किया, एक्सी अपनी टीम के लिए इस बार पूरा MVP बनने की कोशिश कर रहा है। राइजर यहाँ पे आके हिल लेने की रिवाइव लेने की कोशिश करेगा एंड अगर उस पर पीछे से उसको जीएच की पूरी स्क्वाड थर्ड पार्टी करके आरजी को यहाँ वाइप आउट कर सकती है स्पार्की भाई। लेकिन वो छोटा सा रीच जो है मिरामार में जो छोटा रीच के कारण भी वो आरजी का स्क्वाड बच चुका है, 0 डिग्री यहाँ पे 5 किल निकाल चुका है एंड तीनों बंदे पे बच चुका है। नेक्स्ट जोन यहाँ पर पूरा ऑरेंज लॉक को फेवर कर चुका है, एनएच के स्क्वाड जोन के पास है, प्रिंस वहां पर जोन के बहुत ही एज पे है लेकिन ऑरेंज लॉक का चारों बंदे बचे एंड जोन पूरा उसके पास है तो बहुत ही मुश्किल होगा सब स्क्वाड को जोन के अंदर जाना क्योंकि जोन यहाँ पर शुरू भी हो चुका है थक भाई। हाँ सही बोला आपने, यहाँ पे ओवर वर्सेस 8 मिनट का फाइट, ओवर 10 किल्स के साथ ऑलरेडी है, ये फाइट देखने में काफी इंटरेस्ट आएगा। 10 का यहाँ पे बहुत ही प्यारा स्प्रे है, वहाँ पे एश ने स्पॉट किया मावी को कवर फायर देते हुए, ओवर इन ड्रिप डबल 2 ही बंदे उनके बचे, एक्सी मुझे कहीं दिख नहीं रहा, टेड को यहाँ पे लोग रिवाइव, संधु यहाँ पे शॉट्स ले रहा है, मावी ने वहाँ पे टेड को नॉक किया था, टेड यहाँ पे हील हो जाएगा पर संधु का रिवाइव होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जैसे ही टेड अप होगा तो संधु पे इन लोग स्प्रे लेना शुरू कर देंगे एंड ओवर के बाकी प्लेयर्स मुझे कवर फायर देते हुए नहीं दिख रहे इस बार की भाई, एक प्लेयर और बचा इनका। Yes, आप, एक्सी। एश इधर रुक गया, लाइक फिनिश हो गया।
ऐश ने लाइक खड़ा हो गया, पता नहीं उसे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। जीरो डिग्री से वो सूर्या बचा है, वे डाउन टू टॉप फोर स्पॉट एंड गेमिंग हम पेपर अरे यहाँ पर टेल का फ्रेम टू फोर नाइन पे मिस होते हुए ऐश को ऐश ने उसको नॉक कर दिया, लेकिन ट्रेड पे उसका टीममेट भी इधर उसको नॉकआउट कर चुके हैं। तो एन वाई टी अपने टीम से लास्ट है, सोलो सर्वाइवर जी एच से गेमिंग हब एंड जीरो डिग्री से भी उधर एक ही बंदा बचा है, क्या वो अपने टीममेट को रिवाइव दे पाएगा, क्योंकि दो बंदे नॉक है। एट बीट ऐश को इधर रिवाइव देने की कोशिश करेगा प्रिंस है टेड, लेकिन ऑरेंज रॉक वहां पर डैमेज दे सकते हैं, ऐश को क्लियर आउट कर चुका है कैरी। तो वह डाउन टू फोर स्क्वाड, लेकिन नौ ही बंदे बचे हैं। एट बीट के पास दस स्किल्स है एंड यहाँ पर एक और स्किल एक और पोजिशन ऊपर ले आ चुका है, कैरी को वहां पर टेड ने नॉकआउट कर चुका है। तो अभी ऑरेंज रॉक से दो बंदे नॉक है, एट बीट के साथ दो बंदे बचे हैं, जीरो डिग्री के उधर एक बंदे संधु को टेड ने फिर से नॉक। तो एट बीट यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हुए ऑरेंज रॉक के ऊपर, क्या ऑरेंज रॉक यहाँ पर क्लियर कर पाएगा थक भाई? आप ही देखिए ऑरेंज रॉक का 4v2v1 सिचुएशन है मेरे हिसाब से। ऑरेंज रॉक के यहाँ पे मुझे चारों बंदे यहाँ पे अलाइव दिख रहे हैं, जेड के यहाँ पे दो बंदे एंड 4v2v2 सिचुएशन है। ऑरेंज रॉक का संधू और कैरी काफी दूर है एक दूसरे से, सो अब हमें देखना होगा कि प्रिंस यहाँ पे नॉक होते हुए एंड यहाँ पे आई थिंक अब टेड को अकेले पीछे जाकर उसको हील करना होगा। सो ये इसके वजह से ऑरेंज रॉक के बाकी दोनों बंदे भी यहाँ पे रिवाइव हो सकते हैं, पर बात ये कि जेड अगर राइट से आके थर्ड पार्टी करना चाहे या अगर यहाँ पे जेड और 8 बिट के बीच में एक जुगलबंदी हो की वजह से ऑरेंज रॉक फिनिश हो जाए तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, बट ऑरेंज रॉक के जब चारों बंदे अलाइव रहते हैं तब बात ही कुछ और होते हैं। यस एकदम सही बोला, एंड जोन अगर देखोगे तो सबसे मुश्किल जोन जाना पड़ेगा वो है 8 बीट को, 0 डिग्री को फिर भी थोड़ा बहुत रीच का कवर मिल जाएगा। ऑरेंज रॉक ने अपने दो बंदे को वहां पर बचा चुका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लास्ट जोन में, मैड एडवांटेज पूरे के पूरे चारों बंदे बचे हैं, तो मुश्किल होगा जो भी स्कोर बचा है। 0 डिग्री से दो बंदे, 8 बीट से दो बंदे, क्या लगता है पब्लिक कौन लेके जाएगा इस मैच का चिकन डिनर? जिस चांस तो ऑरेंज रॉक के पास ज्यादा है, थक भाई आपको क्या लगता है कौन लेके जाएगा चिकन डिनर? आपको लगता है कि देखिए मैंने जैसे आपको पहले कहा अगर जेड और 8 बीट के बीच में अगर यहाँ पे देखिए ओआर क्या है, यहाँ पे टेड को नॉक करते हुए यहाँ ओआर इन ट्रबल एंड यहाँ पे ओआर का संधू यहाँ पे जेड के आज रेड को नॉक करते हुए मावी आ चुके हैं, मावी यहाँ पे सूर्या को स्पॉट कर चुके हैं, मावी जाएगा सूर्या को मारने के लिए यहाँ पे स्पॉट एंड यहाँ पे मावी भी नॉक होते हुए देखना होगा हमें कि यहाँ पे कौन सी, क्योंकि आप देखिए अब सिचुएशन वो नहीं रहा जो पहले था। यहाँ पे ऑरेंज रॉक का 3v1v1 सिचुएशन है, पर यहाँ पे ऑरेंज रॉक ने कम्प्लीटली आके जेड को फिनिश ऑफ कर दिया, एक्सिट फिनिश हो गया। टीम ऑरेंज रॉक यहाँ पे 16 किल के साथ है, प्रिंस आखिरी बंदा एक्स टीममेट ऑरेंज रॉक की एंड यहाँ पे एक्सी चारों जन 4v1 करना डेफिनेटली चाहेंगे एंड आई थिंक ऑरेंज रॉक 17 किल के साथ एक बहुत ही प्यारा डोमिनेटिंग चिकन डिनर निकालेंगे। यस 4v1 इस पोजीशन से प्रिंस का चिकन डिनर लेना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अकेला बंदा बचे हैं एंड डैम श्योर है कि ऑरेंज रॉक चिकन डिनर ले सकता है, लेकिन प्रिंस अगर इस पोजीशन पे एक किल पॉइंट भी अपनी टीम के लिए ले पाता है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 किल्स निकाल चुके हैं। कैनी किल क्लियर आउट ये किया रूम बंदे वो भी डाउन होगा, लेकिन इधर ऑरेंज रॉक ने आप जैसे बोले 17 किल के साथ चिकन डिनर गाइस डोमिनेट पूरा किया इस मैच में, लेकिन 8 बीट को भी आप भूल नहीं सकते, उन लोगों ने सेकंड पोजीशन पे 11 किल के साथ है एंड 0 डिग्री का भी चलोगे तो 0 डिग्री थर्ड पे विद 5 एंड गॉड का कितना स्किल है वो हम लोग देखने में नहीं, हाँ चलो मिल गया इधर 8 किल के साथ। तो टॉप 3 स्क्वाड है थक भाई, तीनों टीम ने अच्छे खासे किस निकाले थक भाई।